तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि कल से हम स्टार्ट करेंगे सुपर क्लासेस स्टार्ट 2019 सॉरी 2020-21 के लिए। इसमें कौन कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कवर करेंगे, जैसे एसएससी हुआ ठीक, या रेलवेज हुआ, या एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, यानी अदर कोई जैसे बैंक हुआ, यूपीएससी का हुआ, ठीक है। इन सभी एग्जामों के लिए हम सामान्य जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग टेस्ट यानी सामान्य बुद्धिमान तर्क शक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग हम पढ़ाएंगे, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही लेकर मतलब दोनों पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले हम वर्बल पढ़ाएंगे, उसके बाद नॉन वर्बल पढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के तो मेरे चैनल इजी इजी रीजनिंग विथ कुमार सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ताकि मेरा जब फर्स्ट क्लास कल से स्टार्ट होगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप पर डे देखते जाइए। और एक अभी एग्जाम आने वाला है SSC CHSL 2019 का, उसमें हम क्या कहते हैं 20 सेट करा देंगे रीजनिंग का, जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो। और इस ठीक है स्टूडेंट, 20 20 क्वेश्चन करा देंगे यानी 20 सेट करा देंगे आपको रीजनिंग के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं से भी रीजनिंग आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। जिसमें से 10 10 क्या रहेगा, 10 तो रहेगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, और 10 जो रहेंगे वो किस किस कैसे रहेंगे, जो नया लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है उस पे आधारित रहेगा। तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इजी रीजनिंग विथ क्या कहते हैं कुमार, इजी रीजनिंग विथ कुमार सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद ये मेरा देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इजी इजी रीजनिंग विथ कुमार सर, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको मिलता रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हुआ, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर ये मेरा क्या कहते हैं और कॉन्स्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेसन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ये है। पहला लेसन ये है, पहले पढ़ेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे आइए बताते हैं आपको। पहला हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। उसके बाद एनालॉजी टेस्ट यानी सदस्यता। उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। उसके बाद सीरीज। उसके बाद दिशा एवं डायरेक्शन यानी दिशा एवं दूरी। कैलेंडर पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। उसके बाद सिंबल्स एंड नोटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद रैंकिंग एंड अरेंजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद अरेंजमेंट ऑर्डर पढ़ेंगे। उसके बाद इनपुट पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट असेसमेशन पढ़ेंगे। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद क्लॉक पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पजल्स पढ़ेंगे। उसके बाद डाइस क्यूब पढ़ेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स। उसके बाद मैथ ऑपरेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद एक और छूट रहा है, क्यूब और क्यूबाइड, उसको भी क्यूब 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 और क्या कहते हैं क्यूबाइड, क्यूबाइड ठीक है, क्यूब और क्यूबाइड हम
पढ़ेंगे, ठीक है। वो छूट गया है, वो हम पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि लिखे नहीं है कॉन्स्टेंट में तो पढ़ाएंगे नहीं, उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और नॉर्मल वन में हम पढ़ेंगे एनालॉजी पढ़ेंगे, सॉरी एक मिनट, नॉन नॉर्मल में हम क्या पढ़ेंगे, नॉन नॉर्मल में क्या पढ़ेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिरर, पेपर काटना, वैन डायग्राम, और कुछ छूट गया है जिसको कहते हैं क्या कि त्रिभुज गिनना, ठीक है, और क्या कहते हैं वर्ग गिनना, उसके बाद रेक्टेंगल गिनना तो अकाउंट करना, और बचता है क्या, और एक होता है जैसे ये यस है और ऐसा कुछ आकृति बना रहता है उसमें यस ऐसे बना रहेगा तो उसको हमें ज्ञात करना, ठीक है। मतलब जितने भी रीजनिंग के तो रिलेशन है मैं पूरा कवर करूंगा इस चैनल पर, तो आप लोग ज्वाइन ज्यादा से ज्यादा आप जो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपना रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होते हैं तो 25 क्वेश्चन में आपका एक भी क्वेश्चन आपको छूटना ना पाए, यानी 100% मार्क अचीव करें, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि जानते हैं लोग कहते हैं कि रीजनिंग में क्या है इधर उधर से पढ़ लेंगे, लेकिन जब वही एग्जाम में क्वेश्चन बस जाता है तब समझ में आता है कि यार पढ़े होते तो काश मेरा सिलेक्शन हो गया होता, ठीक है। तो मैं कल से इसको पढ़ाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। बेल आइकन, ये बेल आइकन, ये बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक शेयर और क्या करके कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब 100% करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब किए नहीं रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, ठीक है भाई। जो जैसे ये घंटी का बेल आइकन बना रहता है तो इसको जैसे मंदिर में जाते हैं घंटा बजाने, इसको भी एक बार बजा दीजिएगा, इसको बजाएंगे तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी, ठीक है। और तो भगवान का घंटा भी बजाना चाहिए, उससे भी लाइफ सुधरती है, भगवान किसमें किस कब मेहरबान हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो कल मिलते हैं अपने चैनल पे शाम को मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लेसन में बस इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे शुरू से, बेसिक ट्रिकी और हार्ड पूरा बैंक लेवल, बैंक पीओ कैट पैट जो भी एग्जाम होगा आप इससे पढ़ने के बाद आप क्लियर कर लेंगे, आपको रीजनिंग में आपको फिर देखना नहीं पड़ेगा कि पजल से आप समझ नहीं आ रहा है, कथन कारण नहीं समझ में आ रहा है, कथन निष्कर्ष नहीं समझ में आ रहा है, इस टॉपिक में सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छूटेगा कि आपको समझ में ना आए। तो आज के लेसन में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।